प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 तारीख दिन मयूरभंज जिला गस्तर कार्यक्रम रही। तेबे मोदी गस्तर गोटे दिन पूर्व राज्य उच्चशिक्षा और शिल्पमंत्री अनंत दास विभिन्न प्रसंग को नहीं बालेश्वर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में केन्द्र सरकार को ऊपर बर्षिंट 2019 मसीहा साधारण निर्वाचन पूर्व भोटर मानक प्रभावित करने मोदी बारंबार ओडिशा गस्त करुंट से आक्षेप करते। तबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार दिन मयूरभंज गस्तर आसी रेल सेवा एवं भित्तिभूमि उद्घाटन करने को जाता बेले जलेश्वर दीघा रेलपथ निर्माण करने 2011-12 मसीह केन्द्र सरकार एथनिमे आवश्यक अर्थ मंजूर करते भी आज जाए ता कार्यकारी हो न पारा बालेश्वरवासी उपहास सदृश हो मंत्री श्री दास कहते। से हीपरी भद्रक ठारु ओडिशा सीमा पर्यंत एवं मयूरभंज जिले में थिबा रेल रास्ता को ईस्ट कोस्ट रेलवे अधीन रखिबा दीर्घ दिन हेब ओडिशा दाबी करी आसुची हेले अद्यावधि ताहा कार्यकारी हेउ नाही। एहा ओडिशा प्रति केन्द्र सरकार वैमात्रिक मनोभाव बोली से आरोप करथिले। अन्यपटे बालेश्वर रेल स्टेशन को मॉडल रेल स्टेशन रे परिणत करिया होइतिपा निष्पत्ति आज पर्यंत कार्यकारी करा जाई पारु नाही। दीघा तालसारी डगरा रूपसा बांगिरीपुषी टाटानगर ठारु बालेश्वर को नहीं उत्तर ओडिशा रेल करिडर करने सांसदों पक्षर दाबी करें केन्द्र सरकार यह कार्यकारी करने दिगरे आंतरिकता प्रदर्शन नक आउ एक चरम अवहेलार नमूना बोली मंत्री श्री दास अभियोग करते। मयूरभंज आसंता पार्टी काम हो सरकार काम सर कि न्याज्य दाबी जो दाबी उपस्थापन कर विशेषकर ओडिशार जो स्वतंत्र राज्य घोषणा करने जो आज के 5 वर्ष घोषणा आम दाबी करसा जो कराऊना से आम कोटे लोकंर दस्तक संबलित कागजपत दाखल करूँ केन्द्र सरकार ठारे ता प्रति किसी मत निष्पत्ति करापर ता नक बर्तमान जो प्रकार अर्थनैतिक संकोचन कराऊे आम जिते प्रोजेक्ट आसूसी आम जी टा दौ तार बहुत कम अर्थ ओडिशा सरकार को दौरान एवं जिते मन करूँ तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% दूसरा आम 10% बर्तमान सब 60-40 जो आप पायखाना देखुं सीए मत 60-40 तेणु ये खाली नामका प्रधानमंत्री आवास योजना जोटा कर 60-40 ओडिशा सरकार 40 देवे सी 60 देवे तेणु से दृष्टि एवं जो जो प्रोजेक्ट गुड़ा निजाई ये प्रोजेक्ट गुड़ाक जो प्रकार मंथर गति से चलती अचल अवस्था मुझे गोटे आप उदाहरण देली जे दीघा जलेश्वर रेल लाइन 11-12 सैंक्शन होता है आज पर्यटन तक खंडे मटी पड़लानी तेणु खाली सैंक्शन हो जाए कि कार्यकारी होनी तेणु आम दाबी करवर प्रधानमंत्री जो आसती से अंचल दाबी प्रति से ध्यान दिंतु आदि आमर ओडिशा सरकार तांको सेहा दे दउछन्ति किंतु केंद्र सरकार देना तेणु तांको तुरंत एटा दबा पई व्यवस्था करा जाउ। एहा व्यतीत परिवहन क्षेत्र रे ओडिशा प्रति चरम अवहेला प्रदर्शन करा जाउथिबा से अभियोग करथिले। केन्द्र सरकार परिवहन मंत्री दीघाठारु गोपालपुर पर्यंत समुद्र उपकूल रे जातीय राजपथ निर्माण करने को घोषणा करथिले सुद्धा एहाकु कार्यकारी करा जाउ नाही। बालेश्वर ठारु चंडीखोल पर्यंत 5 नंबर जातीय राजपथर अवस्था शोचनीय होय रहिछि। चंडीखोल ठारु भद्रक पर्यंत जातीय राजपथ को 6 टिकिया लेन करने कार्य आरंभ होते भी भद्रकु बालेश्वर पर्यंत 6 लेन विशिष्ट रास्ता निर्माण पर कौन प्रस्ताव नहीं साधारण असंतोषर दाना बांधुवा मंत्री श्री दास सूचना देते। से हीपरी ब्रिटिश अमलर या राजगोविंदपुर विमानबंदर पुनरुद्धार कार्य एवं सुवर्णरेखा संस्कार योजना को दृष्टि नदेबा यह भाजपा सरकार चाषी मारण नीति बोली श्री दास कहते। यह सबू दाबी पूरण करने बदल बारंबार गस्तर आसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यवासी को मिथ्या प्रतिश्रुति देवा पछरे कौन कारण रही बोली मंत्री अनंत दास यह सांबादिक सम्मेलन में प्रश्न करते। सी कौन ये कौन करें से विषय आम कही कि आज कहीं कौ जे आम मयूरभंज बालेश्वर एक भर रही तेना सामग्रिक भाव में मयूरभंज उन्नति करवा आवश्यक आदिवासी अंचल एवं आदिवासी लोक उन्नति हवा दरकार से जी टा खर्च करवा दरकार अधिक करवा दरकार मुझा कहली जो नेशनल एवरेज मुता रेल लाइन या कथा तेल साधारण 195-90 किलोमीटर रास्ता या कथा कि आज पर्यटन 90 किलोमीटर रास्ता या तेणु आम दाबी करयूरभ को
জাতীয় মানচিত্রে উপস্থাপন করা রেলওয়ে মানচিত্রে সেটি অধিক রেল লাইন তৈরি করা যাও এবং তাঁর ন্যাশনাল হাইওয়ে গুড়া তৈরি হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে নম্বর 60 আম বালেশ্বর ঠার যে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে বারিপদা দিয়ে যে ফোর লেন হচ্ছে তা তুরন্ত কার্য শেষ করা যাও এবং তাঁর সর্বাঙ্গীন উন্নতি করে সে অঞ্চল মতো অনুন্নত অছি তাকে উন্নতি করা যায় তাটি মতো আমি দাবি করলু আমার দল তরফ বিজু জনতা দল কৌশি বিব্রত নুহে দীর্ঘ 8 বর্ষ ধরে আমি সব কার্য করে আসছু এবং জনতা আমার সহ অনেক ছিল রহবে মধ্য কিন্তু আমি জনতা জনাইবা চাহু যে প্রকৃতরে বিজেপি সরকার ওড়িশা প্রতি ভাল করছে কি খারাপ করছে সেইটা আমি জনাইবা চাহু আমি আদৌ তাঁর ডর নাই বা ভয় নাই বা সে বলতে আমি ডর ডর মর হয়ে সারা 7 দিন কৌশি আপনার দেখছেন 7 দিন ভিতরে দুইথর প্রধানমন্ত্রী গস্ত হ্যাঁ ইমার্জেন্সি পড়লা বাত্যা বন্যা হল জড় তোফান হল সুনামি হল প্রধানমন্ত্রী আসতু কিছু না 24 তারিখ আসলে আজ পরে 5 তারিখ আসলে পুঁ কোণ 14 15 তারিখ আসবে ইয়ে তো গোটে এইঠু কি ডরুচি কি ডরি যাই আপনার বিচার করি তো আপনার বরিষ্ঠ সাংবাদিক যে আমি তাঁকু ডরুছি না সে আমি ডরুচ না নবীন পট্টনাথ টাওয়ারিং পার্সোনাল ডরিকি সে চারিআড়ে খালি কোটি কোণ করব সেই ব্যস্ত হচ্ছে অন্যমানক মধ্যে সদর বিধায়ক জীবন প্রদীপ দাস সদর ব্লক অধ্যক্ষ নারায়ণ প্রধান ব্রিট অধ্যক্ষ গৌরী কুমার রাউত পূর্বতন পৌরপাল আলোক কুমার সাহু প্রমুখ এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।